सभी मित्रों को नमस्कार। फाउंडेशन ऑफ योग के अंतर्गत अभी तक हमने योग की जो परिभाषा है और योग शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हमने जाना था। इसके साथ ही पूर्व वैदिक काल और वेदों के अंतर्गत भी हमने जाना कि योग के बारे में क्या कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वेदों के बाद का जो समय आता है वह है उपनिषदों का काल। उपनिषद यानी कि भारत के वो साहित्य जिनको मुकुटमणि कहा जाता है। यदि कोई भी योग का साधक वास्तव में योग के बारे में जानना चाहता है, आत्म विद्या के बारे में जानना चाहता है, तो उसको उपनिषदों का गहन अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि कुल 108 उपनिषद है और उन 108 उपनिषदों में आत्म तत्व के बारे में, आत्म ज्ञान के बारे में, आत्म विद्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि हम आत्मा के बारे में और योग के बारे में और इसके विज्ञान के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें उपनिषदों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जो 108 उपनिषद है उनमें 11 जो उपनिषद है वह मुख्य उपनिषदों के अंतर्गत आते हैं और कई तो ऐसे उपनिषद है जिनका नाम ही योग से संबंधित है। जैसे योग तत्वोपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, कुंडलियोपनिषद है, यानी कि ये कुछ ऐसे उपनिषद है जिसके बारे में योग के बारे में बहुत ही गहराई से बताया गया है। यदि हमें कठोपनिषद की भी बात करें, कठोपनिषद जिसमें नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद आता है और उसमें जो नचिकेता होता है उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, फिर भी नचिकेता कहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आत्म विद्या का ही ज्ञान प्राप्त करना है। और अंत में थक हार कर जो यमराज जी होते हैं वो नचिकेता को आत्म विद्या का ज्ञान देते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में योग के बारे में कहा गया है और योग का जो अभिप्राय बताया गया है उसमें कहा गया है प्रभव तथा अपेय। यहां पर प्रभव का अर्थ है शुभ संस्कार एवं विवेक की उत्पत्ति और अपेय का अर्थ है अशुभ संस्कार एवं अविवेक का नाश। अर्थात योग के द्वारा हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम आगे बढ़े और वृद्धारण्यक उपनिषद की हम बात करें जिसमें 1.5.3 के अंतर्गत बताया गया है, साथ ही यदि छंदोग्य उपनिषद की भी बात करें 1.3.3 के अंतर्गत जिसमें प्राण अपान आदि पांच वायुओं के महत्व का वर्णन हमें मिलता है। यानी कि ये जो प्राण की बात है या पंच प्राण या पांच वायु की बात है, हम सभी जानते हैं कि योग के अंतर्गत इनका कितना महत्व है। इसी प्रकार से हृदय तथा उससे निकलने वाली नाड़ियों का जो वर्णन है वह कठोपनिषद के 2.3.16 के अंतर्गत बताया गया है। साथ ही यही जो बात है छांदोग्योपनिषद में भी बताई गई है। यदि हम तैतृयोपनिषद की बात करें तो तैतृयोपनिषद के साथ में छंदोग्योपनिषद और कठोपनिषद के अंतर्गत भी हठ योग की जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाड़ी समझी जाती है सुषुम्ना नाड़ी, उसका इन उपनिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही कठोपनिषद में योग की सुस्पष्ट व्याख्या 2.3.11 के अंतर्गत की गई है। श्वेताश्वत्र जो उपनिषद है उस उपनिषद में भी योगाग्निमय शरीर की तथा ध्यान योग का हमें संक्षिप्त जो वर्णन है वह प्राप्त होता है।
इसके साथ ही जो मुंडकोपनिषद है उसमें भी संन्यास योग शब्द का प्रयोग मिलता है। छंदोग्योपनिषद और वृद्धारण्यक जो उपनिषद है उसमें क्रिया योग के जो आधारभूत सिद्धांत है उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्वेतासहस्र उपनिषद में भी योग के अभ्यासों का क्रमवार जहां हमें विवरण प्राप्त होता है तथा उनका शरीर क्रियात्मक प्रभाव का भी वहां पर वर्णन मिलता है। इसी प्रकार ऐत्रेय और तैत्रीय उपनिषद में शरीर के विभिन्न जो कोष है यानी कि हम जिन पंच कोषों की बात करते हैं कि हमारा जो अन्नमय है, मनोमय है, प्राणमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, जो ये पंच कोष है तैत्रीय उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद के अंदर इन पांच प्रकार के कोषों का हमें वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से जो मैत्रेयी उपनिषद है उसमें षडंग योग का वर्णन आता है। जैसे कि हम पतंजलि योग में अष्टांग योग की बात करते हैं, इसी प्रकार इस मैत्रेयी उपनिषद के अंदर षडंग योग का वर्णन मिलता है। और षडंग योग के अंतर्गत भवसन नियंत्रण जो पहला अंग है, भवसन नियंत्रण यानी कि प्राणायाम की बात आती है, इंद्रिय नियंत्रण यानी कि प्रत्याहार की बात आती है, तीसरा उसमें ध्यान आता है, चौथा एकाग्रता यानी कि धारणा आती है, पांचवा तर्क और छठवां है अंतर्ज्ञान या अनुभवातीत की बात आती है या ज्ञानातीत अवस्था जिसको समाधि कहा गया है। इसी प्रकार से यदि हम और कठोपनिषद की बात करें जिसमें 2.5.4 के अंतर्गत योग के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां वश में हो जाती है यानी इंद्रियों पर और मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना ही कठोपनिषद के अनुसार योग है। इसी प्रकार से जो हमें योग तत्वोपनिषद की भी यदि बात करें तो उसके अंदर बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है, साधक की अवस्थाओं का वहां पर वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, वहां पर किस प्रकार का हमारा आहार विहार आदि होना चाहिए उनका भी वहां पर वर्णन किया गया है। और जो नादानुसंधान की बात आती है उसका भी वर्णन आता है। इसी प्रकार जो ओमकार की बात है, ओम का अपना क्या महत्व है, ओम की अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं आदि, ध्यान बिंदु आदि जो उपनिषद है उनके अंदर उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो उपनिषद है उन उपनिषदों में योग के बारे में और उसी आत्म तत्व को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत कुछ बताया गया है। अब हम उपनिषद से आगे बढ़ते हैं तब आता है पूर्व प्राचीन काल। जो ये पूर्व प्राचीन काल है ये महाकाव्य काल है और हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो दो महाकाव्य है वो दोनों महाकाव्य एक तरह से भारत के लोगों के अंदर उनकी रग रग के अंदर वो बसे हुए हैं। वो दो महाकाव्य है महाभारत और रामायण। इन दो प्रमुख महाकाव्य महाभारत एवं रामायण में विभिन्न प्रकार की जो योगी की क्रिया एवं साधनाएं हैं उनके बारे में ये दोनों महाकाव्य वास्तव में भरे पड़े हैं और योग पद्धति के विभिन्न रूप रामायण काल में बहुत अधिक प्रचलित थे। और हम सभी जानते हैं जो योग वशिष्ठ है जो कि भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच का एक संवाद है और जिसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप से योग के बारे में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से हम यदि महाभारत की बात करें तो महाभारत महत्वपूर्ण विज्ञान का स्तोत्र साहित्य है और इसी का जो एक पाठ है हम यूं कह सकते हैं कि प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता का योग निरूपण ग्रंथ इसी महाभारत का क्या है, एक भाग है। और गीता ज्ञान भक्ति एवं कर्म के मार्गों पर प्रकाश डालती है। योग के इस सर्वाधिक असाधारण ग्रंथ भगवत गीता की जो रचना है वह लगभग 5000 ईस्वी पूर्व मानी गई है।
तो गीता के अंदर चाहे हम कर्म योग की बात करें, भक्ति योग की हम वहां पर बात करें, जिसका बहुत कुछ ज्ञान योग का है जो वर्णन मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह संवाद है, और भगवद गीता के अनुसार ईश्वर से मिलने के जो मार्ग है वो चार प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। उनमें जो सबसे पहला है उसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ कर्म, यानी कि एक सांसारिक व्यक्ति है वो अपनी घर गृहस्थी के अंदर रहते हुए श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए भी वह क्या कर सकता है, वह यानी कि उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। यहां पर श्रेष्ठ कर्म है वह है कर्म योग। इसी प्रकार से श्रेष्ठ श्रद्धा की बात आती है, यह उपासना या भक्ति योग है, यानी कि भक्ति मार्ग के द्वारा भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से श्रेष्ठ या परिशुद्ध ज्ञान की बात कही गई है, ये श्रेष्ठ और परिशुद्ध जो ज्ञान है ये वास्तव में ज्ञान योग है। तथा चौथा जो है वह है संकल्प शक्ति योग, जिसको हम राजयोग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवत गीता के 18 अध्याय है, यह 18 के 18 जो अध्याय है यह वास्तव में सारे के सारे योग के अध्याय कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो प्राचीन काल में आते हैं, पूर्व प्राचीन काल के पश्चात जो प्राचीन काल आता है जिसको सूत्र काल के नाम से भी जाना जाता है, जो दूसरी शताब्दी के अंतर्गत आता है, और इसमें आता है वह प्रसिद्ध योग जिसको हम आज सभी जानते हैं और पूरे विश्व में जो अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, पूरे विश्व में जो विख्यात है, यानी कि जैसे सूत्र का नाम आ गया है तो हमारे दिमाग में आता है योग सूत्र, योग दर्शन, यानी कि महर्षि पतंजलि कृत जो योग दर्शन है या जो योग सूत्र है जिसके अंदर 195 सूत्र आते हैं। इन 195 सूत्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित जो योग की बात कही गई है वह इसके चार अध्यायों में समाहित की गई है, और इसके जो ये चार अध्याय है जिसमें सबसे पहला जो अध्याय आता है वह है समाधिपाद, दूसरा जो आता है जिसको हम साधनपाद के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से विभूतिपाद और कैवल्यपाद आता है, और जो इसका समाधिपाद है, हालांकि देखा जाए तो योग का जो सबसे अंतिम लक्ष्य है, जो परिणाम है वह समाधि और समाधि के बाद में कैवल्य की स्थिति है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने अपने पहले ही अध्याय में पहले ही पाद में समाधि के बारे में बताया है, और बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से जो संप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि है, और इनके भी किस प्रकार से जो संप्रज्ञात समाधि है उसके भी कौन कौन से रूप है उसका इसमें वर्णन किया गया। इसी प्रकार से जो साधन पाद है, साधन पाद में किस प्रकार से यानी कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है कि उस टेक्निक के द्वारा हम उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने इसमें अष्टांगिक मार्ग को बताया है, इसे राजयोग यानी संकल्प शक्ति का योग भी कहते हैं, और इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और जो समाधि की बात कही गई है बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसको इसमें रखा है। हालांकि इसके अंदर उन्होंने जो इसके अंतरंग साधन बहिरंग जो साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यानी कि यहां तक की बात कही गई है इस साधन पाद के अंतर्गत इस अष्टांगिक मार्ग में, और जो विभूति पाद आता है यानी कि अगले पाद के अंदर उन्होंने धारणा ध्यान और समाधि यानी कि जो इसके अंतरंग है उसकी बात कही गई है, जैसा कि इसका नाम है विभूति पाद, विभूति यानी कि बहुत सारे प्रकार की सीढ़ियां जो प्राप्त होती है, और वास्तव में जो ये सीढ़ियां प्राप्त होती है जब हमें जो धारणा ध्यान और समाधि है यानी इन तीनों के ऊपर जब संयम स्थापित होता है तब वो विभूतियां मिलती है, और इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर धारणा ध्यान समाधि के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तब उन विभूतियों के
बारे में बताया गया है, और अंतिम जो है कैवल्यपाद, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से साधक होते हैं कि, या ऐसी कौन कौन सी दूसरी ऐसे सहायक चीजें होती है जिनके द्वारा सीढ़ियां आदि मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो ये चार प्रकार के पाद है, चार प्रकार के जो ये अध्याय है, जो कि समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है, इसमें बड़ा ही योग का जो है सुंदर वर्णन किया गया है कि समाधि को प्राप्त करते हुए हम किस प्रकार से कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये योग सूत्र है, इस योग सूत्र पर जो प्रथम भाष्य है वह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित व्यास भाष्य है, और जो पतंजलि का योग दर्शन है यह वास्तव में संख्य दर्शन के ऊपर आधारित है। यदि थोड़ा सा पतंजलि के बारे में हम यहां पर जाने, हालांकि योग सूत्र यहां पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी महर्षि पतंजलि के बारे में भी थोड़ा हमें जानना चाहिए। तो जो पतंजलि है उनको बहुत सारे नामों से स्मरण किया जाता है। कहते हैं कि महर्षि पतंजलि को गोरेन्द्रीय गोणी का पुत्रा नागनाथ, अहित पति फणिभृत शेष राज शेषाही चूर्णिकार और पदकार आदि नामों से उनको स्मरण किया जाता है। और साथ में बहुत सारी जगह यह भी मिलता है कि पतंजलि ने तीन ग्रंथों को लिखा था, और वो जो तीन ग्रंथ है उनमें एक है सामवेदीय निदान सूत्र, दूसरा है योग सूत्र और तीसरा है महाभाष्य। और सामवेद की एक शाखा पतंजल शाखा भी थी, इसका निर्देश कई ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि ये इतिहास की बात है और इतिहासकार अलग अलग रूप से इसका वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद की चरक संहिता भी पतंजलि द्वारा परिष्कृत मानी जाती है, यानी कि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, आयुर्वेद की चरक संहिता तो चरक के द्वारा लिखी गई है, लेकिन बहुत सारे ये भी मानते हैं कि आयुर्वेद की जो चरक संहिता है वह वास्तव में महर्षि पतंजलि के द्वारा परिष्कृत है, उनके द्वारा वह रची गई है। इसके साथ ही महामुनि पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण पर एक बहुत ही महती व्याख्या लिखी, और ये संस्कृत वांग्मय में महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि जो महर्षि पतंजलि है, पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे, और इनका जन्म गोनारद्य यानी कि गोनिया में हुआ था, पर ये काशी में नागकूप में कहते हैं कि आकर के बस गए थे। और ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे, और काशीवासी आज भी कहते हैं कि श्रावण कृष्ण नाग पंचमी को छोटे नाग गुरु का, बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो, यह कहकर नाग के चित्र बांटते हैं, क्योंकि पतंजलि को कहते हैं कि वह शेष नाग के अवतार है, यानी कि शेष नाग के अवतार भी वह माने जाते हैं। इसी प्रकार पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि पतंजलि संभवतः पुष्य मित्र सुंग 195 से 142 ईस्वी पूर्व के शासन काल में थे, और राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का चिकित्सक भी कहा है। और यदि उनको चिकित्सक कहा है तो ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आयुर्वेद का जो महान ग्रंथ है चरक संहिता, ये वास्तव में महर्षि पतंजलि के द्वारा ही विरचित होना चाहिए, उनके द्वारा लिखा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो सूत्रकाल है, और इस सूत्रकाल में महर्षि पतंजलि का योग सूत्र आता है। अब हम यदि आगे बढ़े इसी काल के अंतर्गत, तब आता है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। जो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है उनकी, उनका जो योग है उनकी हम आगे और डिटेल से वहां पर हमें व्याख्या करेंगे, लेकिन काल के अनुसार यदि देखा जाए तो बौद्ध दर्शन हम सभी जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध है, और बुद्ध ने जो योग की शिक्षा है वह कहते हैं कि योग गुरु अरम कल्लाम और उद्दक राम पुत्र से प्राप्त की थी, और बुद्ध ने अष्ट मार्ग की शिक्षा दी थी, यानी कि उनका अष्टांगिक मार्ग कहलाता है,
कि भाई किस प्रकार से जो भगवान बुद्ध थे उनका जो हृदय है वो परिवर्तन हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि चार आर्य सत्यों का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और विपसना भारत की सबसे एक प्राचीन तकनीक मानी जाती है। और विपसना शब्द का अर्थ है चीजों को उसी रूप में देखना जैसे वे वास्तव में होते हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर जो विपसना ध्यान पद्धति है वह प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें सबसे प्रथम जो तीर्थंकर थे वो भगवान ऋषभ थे, और 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर। और भगवान महावीर की जो ये परंपरा चली आ रही है, और भगवान महावीर का नाम महावीर नहीं था, उनका नाम वर्धमान था, लेकिन उन्होंने योग के बल के ऊपर यानी कि तपस्या करके वो महावीर कहलाए थे। और जैन धर्म में प्रत्याहार और ध्यान योग के जो दो प्रमुख खंड है, और जैन दर्शन का उपाय योग के रूप में सम्यक कर्म, सम्यक वाणी एवं सम्यक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें साधना के जो तीन अंग आते हैं वो है ज्ञान योग, इच्छा योग और क्रिया योग। आगे जब हम और बढ़ेंगे तब जैन दर्शन के अंदर जो योग है उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से उसके पश्चात जब हम और आगे बढ़ते हैं इस द्वितीय शताब्दी से, तब हम आते हैं स्मृति काल के अंतर्गत। और जो ये स्मृति काल है यह वास्तव में 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और स्मृति, स्मृति यानी कि पहले का जो है उसको बनाए रखना। और जो स्मृतियां, स्मृतियों में योग नित्य कर्मों में स्थान रखता है। अभी तक 27 स्मृतियां जो ग्रंथ है वह प्राप्त हुई है और प्रकाशित है। साथ ही इनमें याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनु स्मृति है, दीक्ष स्मृति है, यह बहुत ही प्रमुख है। और जो मनु स्मृति है उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे और विस्तार से वहां पर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से आता है पौराणिक काल। जो पुराण है वह भी हमारे सनातन धर्म और भारतीय साहित्यों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। और पौराणिक काल जो प्रथम ईस्वी का जो इसका समय है इतिहासकारों के अनुसार जो माना जाता है, और पौराणिक काल में योग विज्ञान का जो विकास है प्रथम ईस्वी सदी के आसपास से जो शुरू हुआ था। और कहते हैं कि कुल 18 पुराण है। वो जो 18 पुराण है उनमें जो सबसे पहला पुराण है वह है ब्रह्म पुराण, उसके बाद में पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य पुराण, ब्रह्म बृहत वेवर्त पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स पुराण, गुरुड़ और ब्रह्मानंद पुराण। और वास्तव में देखा जाए तो ये जितने के जितने पुराण हैं, ये पुराण वास्तव में एक क्रमवार में है। जैसा कि पहला जो पुराण है ब्रह्म पुराण है, और सबसे लास्ट का जो पुराण है ब्रह्मानंद पुराण है। ये जितने पुराण हैं, ये पुराण हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से जो ये ब्रह्मांड है यह अस्तित्व में आया। तो उस ब्रह्म पुराण से लेकर के और इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू करके और सबसे अंत में हम ब्रह्मानंद यानी कि उस अंतिम अवस्था में, उस ब्रह्म यानी कि उस आनंद की अवस्था में हमें पहुंचते हैं। तो इन पुराणों के अंदर भी बहुत ही सुंदर रोचक कहानियों के माध्यम से, प्रेरक जो प्रसंग है उनके माध्यम से, यह हम यूं भी कह सकते हैं कि एक सरल भाषा में इन पुराणों के अंदर जो योग है, जो आत्मविद्या है, जो कर्म कांड आदि है उनके बारे में बताया हुआ है। तो अभी हम इस व्याख्यान में यहां तक ही चर्चा करेंगे। आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें फिर हम और आगे जो मध्यकाल है आदि उनमें योग की क्या स्थिति रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।